हमारा देश भारत संस्कृति और सभ्यताओं का देश कहा जाता है। हम बचपन में नानी और दादी से किस्से कहानियाँ सुना करते थे, जिसमें राजा होते थे, भूत होते थे, परियां होती थी। लेकिन क्या वो कहानियाँ सच होती थी? क्या वाकई में भूत होते हैं? क्या वाकई में राजा होते थे? तो दोस्तों, हम आज भारत में कुछ ऐसे ही स्थान हैं जो कि काफ़ी हैरान करने वाले हैं, और आपने आमतौर पर फिल्मों में देखा होगा कि कैसे लोग भूतों से डरते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं ऐसे कुछ डरावने स्थानों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं मणिकांत वर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके हिंदी टेक्निकल चैनल माई स्मार्ट स्टॉप में। हम बात करने वाले हैं भारत के क्या ऐसे 5 स्थानों के बारे में जो कि जहाँ की आज भी कहा जाता है कि भूत रहते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर जिस जगह का आता है वो है पिसावा का जंगल। उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले के पिसावा का जंगल वाकई में डरावना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं जाता और यहाँ जाने वाले को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में ऐसी अफवाहें भी मिलती हैं कि इस जंगल में भूत रहते हैं, और जो भी वहाँ जाता है वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें सुनकर आता है। इस वजह से कोई भी उस जंगल में जाने से डरता है। कहा जाता है कि पिसावा के जंगल में भूतों का बसेरा है और यहाँ सदियों से भूत रहते आ रहे हैं। यह पिसावा का जंगल काफ़ी खतरनाक माना जाता है और सभी इससे दूर बनाए ही रखते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर हमारा भानगढ़ का किला अलवर। यह भारत का टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में भानगढ़ में लोगों का बसेरा शुरू हुआ था। 300 सालों तक तो भानगढ़ काफ़ी खुशी से और खुशहाल माहौल में रहा, लेकिन कुछ ही समय बाद यहाँ की खुशहाली बदहाली में बदल गई। वहाँ की सुंदर राजकुमारी रत्नावती पर काले जादू के महाराज तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की नज़र पड़ गई। वह उसे अपने वश में करना चाहता था, पर राजकुमारी के नज़दीक जाने ते ही वह खुद ही मारा गया। मरते समय वह भानगढ़ को बर्बाद होने का श्राप देता गया, और एक महीने बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के आक्रमण करने पर वहाँ की सारी प्रजा मारी गई, तथा साथ में राजकुमारी और उसके सैनिक भी मारे गए। तब से कहा जाता है कि भानगढ़ का किला भूतों का बसेरा है, और मारी गई रानी और सैनिकों की आत्माएं वहां भटकती है। भानगढ़ के किले में आज भी कोई नहीं जाता है और ये काफ़ी डरावना माना जाता है, और इस किले का साम्राज्य समाप्त हो चुका है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर का कुलधारा गांव। बहुत साल पहले यहाँ ब्राह्मणों का निवास हुआ करता था। गाँव के ही एक आयास दीवान सालम सिंह ने वहाँ की लड़कियों को बुरी नज़र से देखना शुरू कर दिया। इन सब से बचने के लिए गांव के पंडित और अपने लड़कियों को बचाने के लिए एक ही रात गांव से कहीं चले गए, जिनका आज तक पता नहीं चल पाया कि वो आखिर गांव से गए कहाँ। वहाँ लगभग 1500 ब्राह्मण परिवार रहते थे और वो सभी अचानक से गायब हो गए। कहा जाता है कि वह जब उस गांव से जा रहे थे तो उन्होंने श्राप दिया कि हमारे जाने के बाद इस गांव में कोई भी रह नहीं पाएगा और यह गांव वीरान हो जाएगा। तब से उस गांव में कोई नहीं बसता और वह गांव वीरान पड़ा हुआ है। यहां तक ये भी कहा जाता है कि वहां भूत प्रेतों का बसेरा है और वहां आत्माएं भटकती हैं। वह खूबसूरत गांव आज खंडहर में तब्दील है और वहां कोई भी नहीं रहता। इसके बाद अगले नंबर पे आता है आपका बड़ोग का सुरंग। इस सुरंग का निर्माण बड़ोग नाम के अंग्रेज इंजीनियर ने करवाया था, इसलिए इसे बड़ोग का सुरंग कहते हैं। उस समय सुरंग बनाते समय एक गलती हो गई। जब इंजीनियर बड़ोग सुरंग को बना रहा था तो उसने सुरंग की खुदाई दोनों तरफ से शुरू करवा दी, और सुरंग का अंत होते ही जो दोनों सिरे थे वो लास्ट में मिल नहीं सके और सुरंग गलत बन गया। इस वजह से उसे अंग्रेज सरकार ने 1 रुपये का जुर्माना लगाया। वह जुर्माने से और अपनी हुई भूल से इतना दुखी हुआ कि उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तब से कहा जाता है कि उस इंजीनियर बड़ो की आत्मा वहाँ भटकती है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाई है और वो फ्रेंडली तौर पे रहती है, और डर के वजह से वहाँ कोई नहीं जाता। सरकार ने उस जगह पे जाने से रोक लगा दी है और वहाँ पे खतरे के निशान का एक बोर्ड लगाया हुआ है, और वह सुरंग आज भी वीरान पड़ा हुआ है। और 5वें नंबर पर आता है मेरठ का भूत बंगला। उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले का एक डरावना भूत बंगला। यह बंगला
मेरठ के माल रोड के स्थित कैंट बोर्ड के सीईओ के आवास के निकट है। इस बंगले तक एक रास्ता जाता है जो कि अंदर की तरफ है। 650 मीटर लगभग अंदर जाने पर काफ़ी झाड़ियाँ और जंगल देखने को मिलते हैं। 1947 के बाद इस बंगले पर कोई नहीं जाता और यह बहुत ही डरावना है। कहा जाता है कि 1947 के पहले यहाँ पे सैनिकों का छावनी रहता था और यहाँ पे अभ्यास किया जाता था, लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद इस बंगले पर कोई नहीं जाता और यहाँ आज भी भूतों का पसेरा है। यहाँ तक कि उस बंगले पर जाने के लिए सरकार द्वारा पक्की सड़क बनाई गई है, फिर भी उस बंगले तक कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थे हमारे भारत देश के 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे आपको कोई नई जानकारी के साथ, किसी नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।